सो गाइस, कंप्रेसर एक ऐसा प्लगइन है जो कि हमारे वोकल्स की डायनेमिक्स है वो प्रॉपरली सेट करता है। वो कैसे डायनेमिक्स को सेट करता है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्रेशन होता क्या है। कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे डायनेमिक्स को प्रॉपरली सेट करता है, और वो क्या करता है कि जो हमारी हाईएस्ट पीक है और जो हमारी सबसे लोएस्ट पीक है उन दोनों को लगभग आसपास लेके आना, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये हमारी वोकल्स हैं जो कि अभी मैं कर रहा था मिक्सिंग वगैरह, तो मैंने इसके अंदर देखा तो डायनेमिक्स इतने ख़राब नहीं है। आप देख सकते हो बीच में ये डायनेमिक ऊपर जा रहा है, ये देखो ये डायनेमिक कितना ऊपर जा रहा है और ये पीक कितने नीचे जा रही है। तो कंप्रेशन में यही होता है कि दोनों पीक्स को करीब लेकर आना है और जिससे हमारी जो लाउडनेस है वो लेवल में साउंड करे। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूँ कैसे साउंड कर रहा है। ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। तो ये हमारा बिना डायनेमिक सेट किए बिना कंप्रेशन लगाए हमारा ऐसा साउंड कर रहा है, और अभी हम कंप्रेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको विजुअलाइजर वाला दिखा देता हूँ। फ्रूटी लिमिटर के अंदर हमारा ये कंप्रेशन मोड है, तो ये मैं स्टॉक ही यूज़ करूँगा। तो मैं बता देता हूँ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अगर मान लो ऊपर हमारी जो साउंड है वो जाएगी तो वो उस साउंड को कंप्रेस करेगा, और हमारी जो रेशियो होती है वो रेशियो होती है कितना अमाउंट हमारा जो पीक है वो कम करेगा, कितना अमाउंट कम करेगा। तो उसके बाद बारी आती है हमारे अटैक की। अटैक हमारी कितनी देर बाद, जब थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है हमारी आवाज़ वो कितनी देर बाद हमारा कंप्रेशन ऑन होगा, अटैक इस ये बताता है, और रिलीज ये बताता है कि कितनी देर बाद बंद होगा जब हमारी थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाती है आवाज़। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और एक एक चीज़ साथ में बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले रेशियो रख लेना है ऑलमोस्ट 3:1, और अब मैं इसको नीचे लेता जाऊंगा जब तक मेरे कानों को लगेगा नहीं कि अब सारे डायनेमिक्स करीब करीब आ गए हैं। ठीक है, ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। सो गाइस, आप देख सकते हो इसने काफ़ी कम कंप्रेशन किया, क्योंकि इस वोकल्स में इतना ज़्यादा कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसने काफ़ी कम कंप्रेशन किया है। कई लोगों की आवाज़ जो होती है वो बहुत लोएस्ट पीक काफ़ी नीचे होती है और हाईएस्ट पीक काफ़ी ऊपर होती है, तो उसके अंदर हार्ड कंप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रेशन मैंने किया, और अब मैं आपको बताता हूँ अटैक क्या करेगा इसके अंदर। ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा कर। तो गाइस, आप देख सकते हो अब हमारा जो कंप्रेशन की जो पीक है वो काफी छोटी हो गई है। छोटी क्यों हो गई है कि जैसे हमारी जो पीक आती है जो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है वो क्या करेगी कि हमारे जैसे ही वोकल्स आएंगे तो अटैक होगा कि हमारी कितनी देर बाद हमारा जो कंप्रेशन है वो ऑन होगा। तो काफी देर बाद, लगभग मैं दिखाता हूँ आपको, 8 मिलीसेकंड्स के बाद बंद होगा और हमारी जो पीक है वो इतने सेकंड्स में खत्म हो जाती है पीक। तो काफी कम कंप्रेशन कर रहा है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। ज़माना जाली दुनिया काली, न खानू रोटी ते मारा मारी, समझ नहीं आंदा करना की, हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। तो गाइस, अब देख सकते हो मैंने कंप्रेशन करा और अब मैंने अटैक रिलीज सेट करा और कितने अच्छे तरीके से अब कंप्रेशन हो गया और काफ़ी लेवल में साउंड हमारी जो है वोकल्स जो है हमारी साउंड कर रही है। तो अब मैं गेन बढ़ाऊंगा जिससे क्या होगा कि जो हमारी जो काफ़ी पीक्स खो गई थी हम उसको वापस लेके आएंगे। मैं इसको ऑन ऑफ करके इसका गेन बढ़ाता हूँ।
जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी। सो गाइस अब हमारी वोकल्स कितनी स्मूथ साउंड कर रही है और काफी अच्छी स्मूथ साउंड कर रही है और हमारे कानों को चुभ भी नहीं रही है। तो अब मैं इसके अंदर आपको दूसरा मोड बताता हूँ जो कि है नॉइस गेट। नॉइस गेट क्या है कि हमारे थ्रेशोल्ड है मान लो कि हमारा 40 dB है, तो हमारा क्या होगा कि जिस थ्रेशोल्ड के नीचे हमारी जो नॉइस होगी वो सारी कट जाएगी। ये नॉइस गेट इसको बोलते हैं, जो भी थ्रेशोल्ड के नीचे हमारी जो सारी नॉइस है, मान लो कि हमारी वोकल्स ऊपर जाएंगी, अब हमारी वोकल्स आएंगी तो उसके नीचे जो नॉइस है वो कट जाएंगे हमारी जो है। तो हम इसको सेट करते हैं, गेन को कर देते हैं बिल्कुल इन्फिनिटी पे। और जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने कंप्रेशन करा और हमारे वोकल्स जो है काफी खिल के आ रहे हैं। तो मैं आपको कंप्रेशन ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ कि क्या हमारे चेंजेस आए हैं। जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी। सो गाइस देख सकते हो अब हमारी जो वोकल्स हैं वो कितनी स्मूथ साउंड कर रही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अब जो दूसरा हमारा जो स्टॉक कंप्रेसर है वो क्या काम करता है। तो ये है हमारा दूसरा स्टॉक कंप्रेसर। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, थ्रेशोल्ड को रखा है -20 dB और रेशियो को मैंने 3:9 रखा है। और हमारा जो अटैक है वो 41 ms और रिलीज 86 ms और गेन मैंने 2.4 dB बढ़ाया क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम जो है जो पीक्स हैं वो दब जाती हैं तो हमें उसको वापस से गेन करना पड़ता है। तो मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। जमाना जाली दुनिया काली न खानू रोटी ते मारा मारी समझ नहीं आंदा करना की हुन पैसे पीछे पई दुनिया सारी जमाना जाली। तो इससे भी हमारी जो वोकल्स है वो काफी निखर के खिल के सामने आ रही है जो कि हमारे म्यूजिक के साथ काफी अच्छे तरीके से फिट बैठेगी। कंप्रेशन के अंदर यही होता है। और मैं अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय।